हेलो आप सभी ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं कंप्यूटर गेम्स या मोबाइल गेम्स जरूर खेले होंगे और हो सकता है ये बहुत लंबे समय से खेलते आ रहे हो। तो क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर ये गेम्स बनते कैसे हैं और काम कैसे करते हैं? तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। आप ये वीडियो देखते रहिए। मेरा नाम है भाजोदी, आप देख रहे हैं इंसान बाग। तो लेट्स स्टार्ट। हाँ तो दोस्तों, मार्केट में तो बहुत सारे गेम हैं, लेकिन बात ही आती है कि कंपनी इन गेम्स को बनाती कैसे है और इन्हें बनाने का के लिए कंपनी को किस किस चीज़ की जरूरत होती है। तो इन सभी को बनाने कंपनी की बहुत सारी ढेर सारों करोड़ों फोटोज की जरूरत होती है, जिन्हें कंपनी एक गेम के अंदर जोड़कर 360 के अंदर जोड़कर एक व्यू बना लेती है कि यह कैरेक्टर के बैकग्राउंड में जो डिस्प्ले होता है वो कंपनी सारी फोटोज़ को जोड़कर एक हाई क्वालिटी फोटोज़ को जोड़ती है, जिससे हमें बैकग्राउंड जैसे हमारे मेन कैरेक्टर होता है बीच के अंदर जो मेन कैरेक्टर उसकी चारों तरफ की जो बैकग्राउंड होती है ऊपर आसमान होता है नीचे धरती होती है कुछ भी होता है इस गेम के अंदर जो मेन कैरेक्टर को छोड़कर उसके अलावा जितनी भी फोटोज़ होती है जो हमें बैकग्राउंड में डिस्प्ले होती है वो सारी वीडियो की वीडियो नहीं होती, वो सारी फोटोज होती है जो हमें बहुत सारी फ्रेम्स रेट के अंदर एक साथ दिखा दी जाती है, जिससे हमें लगता है कि यह एक रियल है और यह कोई फोटोज नहीं है, यह असल में कोई बैकग्राउंड है। जैसे हम आगे की तरफ मूव करते हैं तो वो सारे बैकग्राउंड चेंज होते हैं और हमें नई फोटो डिस्प्ले हो जाती है, मगर हमें इतना ज़्यादा पता नहीं चलता क्योंकि उन्होंने सभी फोटो को एक तरफ कोलैप्स करके जोड़ दिया जाता है, जिससे हमें ये लगता है कि यह एक कोई बैकग्राउंड असली हम फिल्म की तरह देख रहे हैं, मगर ये बहुत सारी फोटोज होती है। गेम के अंदर जो मेन कैरेक्टर होता है उसे कंपनी अलग से डिजाइन करती है, उसके अंदर हमें उसके इमोशन जोड़ती है, उसके अंदर हमें बहुत सारी इफेक्ट्स जैसे कोई CS:GO जैसा गेम है तो उसके अंदर हमें बहुत सारी गन्स दे दी जाती है, इसी प्रकार ये सारे गेम्स बनते हैं। इनके अंदर कंपनी ऐसे हम इस तरफ गोली जाते हैं तो उसकी साउंड सारी चीज़ जितनी भी हम कुछ गेम के अंदर जो करते हैं हरकत करते हैं गाड़ी चलाते हैं उन सभी की आवाज़ कंपनी को उस गेम के अंदर जोड़नी होती है। यही इसी तरह से पूरे गेम्स बनते हैं। मतलब अगर आपने इस तरफ मूव किया तो हमें इस तरफ क्या क्या देखना है वो ऑटोमेटिक कंप्यूटर में शो कर देता है कि गेम्स के अंदर इस तरफ क्या चीज़ जुड़ी हुई है और इस तरफ क्या चीज़ जुड़ी हुई है, उसी प्रकार में सबको डिस्प्ले हो जाता है। तो यही इसी तरीके से कंपनियाँ गेम बनाती है और गेम बनाने के लिए बहुत लंबा समय लगता है। जैसे CS:GO है, इसे बनाने के लिए बहुत लंबा समय लगता है, कोई छोटा गेम हो जैसे कोई मोबाइल का गेम हो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कमाल के नहीं होते, इसलिए उसके फोटोज़ को ज़्यादा अच्छी तरह से कैप्चर नहीं किया जाता क्योंकि उसके अंदर हमें ग्राफिक्स का ज़्यादा पता नहीं चलता, मगर कंप्यूटर के अंदर हमें ग्राफिक्स का ज़्यादा पता चलता है, इसलिए उनके अंदर फोटोज़ की क्वालिटी बेहतर होनी जरूरी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको यह वीडियो पसंद आता है हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि हम हर रोज आपके लिए इसी अच्छे वीडियो लेकर आते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।